ऐसे पानी के मंडी में सुबह सुबह ताज़ी सब्जी मिल जाती है तो लेने गई थी, लेकर आई हूँ। तो मैं थोड़ा सा ब्रेड वगैरह भी ले आई थी। ये है ब्रेड, तो बच्चों को चाय ब्रेड खाना है तो मैंने चाय चढ़ा दी है। एक तरफ दूध पक रहा है, आ गया था दूध भी। तो हम बच्चों को मैं चाय और ब्रेड दे देती हूँ, उसके बाद फिर मुझे जो मैं सब्जियाँ लाई हूँ वो मुझे रखनी है तो वो मैं रखूँगी। तो चलो बच्चों को मैं पहले नाश्ता दे देती हूँ। बच्चों को नाश्ता देने के बाद मैं यहाँ पर सब्जियाँ रखने लगी थी। और ये जो नेट का आता है ना, नेट के बैग आते हैं, इनमें ये कहते हैं जिप लॉक लगा हुआ होता है, तो फिर इसमें क्या होता है, आराम से सब्जियाँ रख लो ना, पानी नहीं भरता है। मैं पॉलीथीन में रखती थी ना पहले, तो क्या प्रॉब्लम होती थी कि उसमें फ्रिज वाला है ना मेरा, वो जो सिंगल डोर वाला होता है, रेफ्रिजरेटर अलग नहीं होता है। तो इसमें क्या है ना, उसे पानी जब गिरता है ना तो सब्जी की जो डलिया होती है ना बास्केट, उसमें भर जाता है। और पॉलीथीन में सब्जी रखो तो उसमें पानी पॉलीथीन के अंदर भर जाता है जब, तो सब्जियां सड़ जाती हैं। इसलिए मैं ये गई थी ना जब फतेहपुर, तो वहाँ पे मिल गया था मुझे, तो मैं ले आई थी। ऑनलाइन भी मिलते हैं बट वहाँ जब मैं विशाल गई थी तो मुझे मिल गया था, तो मैं ले आई थी। और इन्हीं में मैं सब कुछ भर के रख देती हूँ तो सब्जियाँ मेरी बिल्कुल भी सड़ती नहीं है, एकदम बढ़िया बनी होती हैं। और जो पानी होता है ना बास्केट में जब हो जाता है ना, तो मैं उसको ऐसे सारी ये सब्जियाँ निकाल के उसको गिरा देती हूँ, तो सब्जियाँ मेरी अच्छी खासी बनी रहती हैं काफ़ी लंबे टाइम तक। सो यही जो सब्जियाँ मैं सुबह सुबह मंडी से लाई थी, तो इन सबको मैं पॉलीथीन से निकाल कर, मैं कोशिश करती हूँ ना वो जो पॉलीथीन में सब्जी मैं कम ही लेने की कोशिश करती हूँ, उनसे बोल देती हूँ, बैग लेके जाती हूँ जो उसमें मैं डलवाती जाती हूँ। और जैसे मिर्ची वगैरह हो गई, अदरक हो गया, तो इसी को पॉलीथीन में लेती हूँ, नहीं बाकी मैं सब ऐसे ही बैग में डलवा लेती हूँ, क्योंकि पॉलीथीन बाद में फेंकनी ही पड़ती है, तो उससे अच्छा है कि पॉलीथीन ना लो तो ज़्यादा ठीक है। तो मैं ऐसे लेके इनमें सब में भर के स्टोर करके बास्केट में फ्रिज में रख दूँगी सारी को, और फिर लग जाऊँगी अपने अगले काम में। मैं परवल की सब्जी बना रही थी, और परवल सब्जी बनाने से पहले ना मैं परवल को फ्राई कर ली थी थोड़ा सा, तो उससे ना थोड़ा सा टेस्ट उसका अच्छा आ जाता है। तो इस तरह मैंने थोड़ा सा तेल डालकर इसको फ्राई करके निकाल लिया है। फिर मैंने कढ़ाई में फिर से तेल गरम कर लिया है सरसों का, और इसमें मैंने हींग जीरा डाला हुआ है, फिर प्याज। सबसे पहले मैं प्याज डालती हूँ, मिर्ची बाद में डालती हूँ, क्योंकि मिर्ची गरम तेल में डाल दो ना तो उसका पूरा जो होता है ना भस जैसी, वो पूरी नाक में लग जाती है, फिर छींके आने लगती हैं। और फिर मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी, टमाटर मैं पहले ही डाल देती हूँ। मतलब लोग कहते हैं कि टमाटर पहले प्याज के साथ डाल दो तो फिर सब्जी पकने में टाइम लगता है, आलू नहीं गलते हैं जल्दी से, पर मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं टमाटर और प्याज जो एक साथ डाल के अच्छे से मसाला पका देती हूँ, उसके बाद फिर मैं सब्जी डाल के पूरा कर देती हूँ, और मेरी सब्जी अच्छी खासी बन जाती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि नहीं पकता टाइम से। तो इस तरह मैंने सब्जी डाल के, आलू वालू डाल के थोड़ा और कलार दिया था, और सारे मसाले डाल के ये मेरी, इसको मैं ढक्कन लगा कर रख दूँगी। तो यहाँ पर खाया जा रहा है तरबूज, क्योंकि अब खरबूजे और
तरबूज का सीजन आ गया है और मेरे बच्चों को कुछ ज़्यादा ही पसंद है। कैमरा इतना अंधेरा कर रहा है, तो हम लोग बैठ के तरबूज खा रहे हैं दोपहर में। सो मैं जस्ट अभी अभी फेशियल करके उठी हूँ, मतलब DIY वाला फेशियल घर पर ही मैंने किया हुआ है। सो अभी तक मैं नहाया नहीं है, तो मैं बच्चों को खाना दे देती हूँ। सब्जी वगैरह बन गई थी, अभी मुझे सिर्फ रोटी बनानी है, तो आटा रखा हुआ है। फटाफट मैं उनको रोटी सेक के खाना दे देती हूँ खाने के लिए, उसके बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी, क्योंकि फेशियल करना था इसलिए मैंने नहीं नहाया है। अदरवाइज मैं सुबह सुबह नहा लेती हूँ, और सामान बहुत ज़्यादा ही फैला पड़ा हुआ है तो मुझे वो भी समेटना है। तो पहले बच्चों को खाना दे दूँ, उसके बाद करूँगी। धूप बहुत वाली तेज वाली है, ऊपर से पता नहीं क्यों ये एकदम आंधी वाली चल रही है, जैसे मई जून में जो लू वाली हवाएं चलती है ना, बिल्कुल सेम वैसे ही चल रही है गंदी वाली। सो हम पहले रोटी बना के बच्चों को खाना दे देती हूँ, फिर आपसे मिलूँगी अब नहाने के बाद। मैं नहा लिया है और अब मैं खा रही हूँ आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम है। कल जब स्कूल से लौट रह के आ रहे थे ना, तो मैंने आइसक्रीम, बच्चों को चॉकलेट खानी थी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह लिया था। सो वनीला मिली नहीं थी, चॉकलेट पसंद नहीं आती है और वनीला बच्चे ज़्यादा खाते हैं, बट बेटू स्ट्रॉबेरी नहीं खाती है। वहाँ पे मुझे ध्यान नहीं था, मैं ले आई और बेटू नहीं खा रही है, कह रही है मुझे नहीं पसंद। सो मैं और भैया खा रहे हैं। सो अभी दोपहर है और आइसक्रीम तो बनती है, सो हम लोग खा रहे हैं आइसक्रीम और फिर देखते हैं। थोड़ी देर लेट जाऊंगी क्योंकि मेरी आँखों ना एकदम कड़वाहट, मतलब लग रहा है सो जाऊं, बट सोएंगे नहीं, बैठेंगे थोड़ी देर टीवी देखेंगे, नहीं तो फ़ोन देखेंगे। सो खा लेते हैं, आइसक्रीम नहीं पिघल जाएगी मेरी। बस बस हो गया, नीचे आओ। मम्मी वीडियो बंद है, ये चाइल्ड अब्यूज के उसमें यूज किया जाएगा, स्ट्राइक आ सकती है। हथरों के खिलाड़ी डूडू डूडू। वहां से मैं चढ़ू? चुप रहो। इधर साइड से भी खोल लो, इधर से भी खोलना पड़ेगा। नहीं खुला, उधर साइड से। खतरों के खिलाड़ी रू। भैया तुमने अभी तक अपनी अलमारी साफ की? तुम्हें ये निकालना है, ये प्लास्टिक वाली शीट। हाँ, अंदर हाथ नहीं लगाना है। कैसे? यहाँ बीच से निकालना है। हाँ, इसको ऊपर की तरफ दो। ऊपर की तरफ नहीं दबाना, ऐसे ही करके निकलती है यार। अभी मैंने बिट्टू मौसी की साफ की थी। बिट्टू मौसी कोई अलग है, ये बीच में से ऐसे टेढ़ी टेढ़ी इसकी खुली हुई है, क्योंकि उधर साइड से पूरी तरह से खुली नहीं। उसको पहले ऊपर ढक्कन को ऊपर, अब इसको निकालो ऊपर दबा के। हाँ, ऐसे करके निकल आएगी, बाहर निकल, ऐसे नीचे की तरफ। अच्छा तो तीन है, अच्छा दूर है। अब दूसरी वाली की चलो, उतरो उतरो तुम पहले। बेटी दी दोबारा चढ़ो, चलो हो चुका है, इसका गिरने वाला था ये। चेरी पानी खेल रही थी। हाँ, पानी खोला, मुझे लग प्यास लगी और वहाँ पे पी रही थी पानी। हाँ, मैं लग खोल तुम पी रही थी, खेल रही है पानी के लिए। ये पानी चल रहा है ऐसे पानी खेल रही है। तभी तो पानी डुब 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 आवाज आ रही है। गर्मी लग रही होगी ना, इसलिए
तो काफ़ी जद्दोजहद के बाद, मतलब बहुत ज़्यादा वो वाली सीढ़ी है ना लकड़ी वाली जो होती है, तो वो खिसक रही थी, मैं चढ़ नहीं रही थी, मेरे पैर रखते ही वो इतनी तेज़ी से सरक रही थी। बेचारे भैया ने चढ़ के किया है, बेटू चढ़ती नहीं है, बेटू बहुत डर लगता है, डरपोक है वो। सो अभी करके फुर्सत पाई मैंने हो बच्चों दो को, बल्ब हटाए मतलब, और यहाँ पे बल्ब लगवा दिया मैंने, नया LED रखा हुआ था तो मैंने एक इधर लग गया एक इधर, तो अब थोड़ी रोशनी लॉबी में ठीक ठाक आ रही है। सो बच्चों को दूध दे दिया, बच्चे पी रहे हैं और मैं पी रही हूँ अपनी चाय, और इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को कर रही हूँ समाप्त, और आपसे लेती हूँ विदा, मिलती हूँ आपसे अपने अगले व्लॉग के साथ। और रुकिए थोड़ा सा, अगर व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा जिससे मैं कोई वीडियो अगर अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचेगा। सब मिलती हूँ अपने अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।